नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। देश के सबसे खतरनाक और दर्दनाक हादसों में से एक है भोपाल की गैस त्रासदी कांड, जिसकी वजह से आज तक भोपाल में बच्चे विकलांग पैदा हो रहे हैं। त्रासदी के विक्टिम्स के लिए रह रहकर आवाज उठती रही, कभी आवाज उठती तो कभी दबा दी जाती या चीखते चीखते लोगों के गले सूख जाते। लेकिन एक आवाज ऐसी थी जो इन पीड़ितों के लिए करीब 35 साल तक लगातार उठती रही। वो आवाज थी जब्बार भाई की। भोपाल गैस पीड़ितों को इंसाफ दिलाने से लेकर उनके पुनर्वास तक की लड़ाई लड़ते रहे जब्बार भाई। जब्बार भाई को मरणोपरांत राष्ट्रपति द्वारा पद्मश्री सम्मान से सम्मानित किया गया। बता दें कि साल 1984 की गैस त्रासदी में अब्दुल जब्बार ने अपने माता पिता को खो दिया था। जहरीली गैस ने अब्दुल जब्बार की आंखों और फेफड़ों को पूरी तरह से प्रभावित कर दिया था। वो तभी से सेहत से जुड़े बड़े मसलों से जूझ भी रहे थे, लेकिन अब तक शरीर में जान रही फेफड़ों से जुड़ी परेशानी के बावजूद वह पीड़ितों के लिए उनकी लड़ाई लड़ते रहे। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।